लास्ट टाइम हम लोगों ने ये 116 एंगेजमेंट ऑफ द सीमैन आउटसाइड द इंडिया फॉर द इंडियन शिप ये किया हुआ था, बट दिस इज नॉट जनरली आस्क, तो इसमें जो पहले का था वही पूछा जाता है। वी विल मूव फर्दर, तो फर्दर वी आर हैविंग सेक्शन 152 डिसीज्ड सी फेरर का। या द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड सीमैन एंड द अप्रेंटिस, तो इस केसेस में क्या करेंगे? इस केसेस में 152 से लेके 160 सेक्शन तक वी कैन जस्ट से कि फ्रॉम 152 टू 160 सेक्शंस ऑफ एमएस एक्ट 1958 विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ डिसीज्ड सीमैन और अप्रेंटिस। तो उसमें क्या करेगा, द मास्टर शुड फर्स्ट इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट ऑफ द कैन एंड टू द शिपिंग मास्टर एट हिज पोर्ट ऑफ एंगेजमेंट। सो जो मास्टर है ही हैज़ टू डू दीज थिंग्स एंड देयर आफ्टर वॉट ही नीड टू डू इज देयर अपॉन एंटर इन द ऑफिशियल लॉग बुक, की एंट्रीज उसे ऑफिशियल लॉग बुक में करनी है। वो क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी एंड मनी करना है, फिर उसका जो भी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रू इफेक्ट है, फिर जो वेजेस डिडक्शन है, मतलब ऑल द टाइम इज कि अगर उसके पास कुछ पैसे थे तो वो पैसे, फिर उसका जो सामान है वो सामान, फिर उसने जो ऑनबोर्ड काम किया उसके वेजेस और उसके डिडक्शन रेडियो अकाउंटिंग और ये सब स्ट्रक्चर्स के डिडक्शन करके जो फाइनल वेजेस हैं वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर वो सी फेरर जो है वो इंडिया में, सॉरी इंडिया के बाहर मरता है, तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को हमें बताना है और हमें सारी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ लिखे, प्रॉपर्टी ऑफ द सी फेरर शुड बी गिवन टू द इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर, और इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे सारे वेजेस दे दिए, तो क्या करेगा वो, ही विल गिव अस अ रिसीट कि हाँ मैंने इतने पैसे इतना प्रॉपर्टी उसकी और ये डिस्क्रिप्शन है उसका ये सब मैंने रिसीव किया है, और हम लोग जब वेसल जो है वो इंडिया में जाएगी तो हम लोग शिपिंग मास्टर को विद इन 48 आवर्स जो है हम उसे सब कुछ दे देंगे। ओके और विद इन 48 आवर्स वी हैव टू गिव, ये है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ सीमैन डाइंग इन इंडिया, तो ये वाला आ जाएगा कि अगर वो इंडिया में ही मरता है तो ये हो गया, इंडिया के बाहर मरता है तो ये हो गया। तो ये जो है 153 ये जो डील कर रहा है इट इज डीलिंग लाइक कि अगर सी फेरर इज डिसीज्ड एंड विद इन 48 आवर्स द शिप कैन नॉट रीच रीच इंडिया देन दिस विल अप्लाई, इफ इट कैन रीच इंडिया देन इट द शिप शुड रीच इंडिया एंड देन दे हैव टू इंफॉर्म और गिव ऑल दी बिलोंगिंग्स ऑफ द सी फेयर टू द शिपिंग मास्टर। तो इस तरीके से अगर बाहर मर गया जहाँ पे 48 आवर्स में शिप नहीं पहुँच सकती तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर, अगर विद इन 48 आवर्स शिप पहुँच सकती है तो शिपिंग मास्टर इन इंडिया, और इंडिया में मर गया तो सेक्शन 158 प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट डाइंग इन इंडिया ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट द सी फेरर इन केस ऑफ डिसीज, तो डिसीज सी फेरर में नेक्स्ट ऑफ किन शिपिंग मास्टर को इन्फॉर्म करना है, ऑफिशियल लॉग बुक एंट्री करनी है, उसके अंदर उसके पैसे उसका इफेक्ट और उसके वेजेस की एंट्री कर देनी है, उसके बाद अगर आउट आउट ऑफ इंडिया है तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को बता के रिसीट ले लेना है, रिसीट जो है जब शिप पहुंचेगी तो विद इन 48 आवर्स शिपिंग मास्टर को दे देना है हमें, और अगर इंडिया से बाहर हैं कहीं और जहां पे शिप पहुंच सकती है विद इन 48 आवर्स तो शिपिंग मास्टर को दे देंगे, और अगर इंडिया में ही है तो सेक्शन 158 लग जाएगा जिसके अकॉर्डिंगली जो भी है ये इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके इसमें क्या लिखा है, इफ द सीमैन अप्रेंटिस डाइज इन इंडिया एंड इट इज एट द टाइम ऑफ द डेथ एंटाइटल्ड टू क्लेम द मास्टर ओनर सर्विसेज एंड इफेक्ट अनपेड वेजेस, द मास्टर ओनर एजेंट शैल पे द डिलीवरी अकाउंट टू सच द प्रॉपर्टी ऑफ द शिपिंग, मतलब वही है कि शिपिंग मास्टर को जो ओनर है मास्टर है या एजेंट है उसका ओनर का दे हैव टू गिव इट टू द शिपिंग मास्टर ओनली, तो दैट इज ओनली रिटर्न। इसमें जो सेक्शन 166 है, दिस 160 सॉरी नॉट 166 160 जो है दिस इज फॉर नॉलेज ऑल्सो कि इसमें क्या लिखा हुआ है,
इसमें लिखा है डिस्पोजल ऑफ द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज सीमैन, कि अगर कोई सी फेयरर है ही इज डेड एंड आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट बीन क्लेम, तो क्या होगा? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट बीन क्लेम्ड विद इन वन ईयर, व्हेन नो क्लेम्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सी ऑफ अ डिसीज सी फेयर ऑफ द अप्रेंटिस रिसीव्ड बाय द शिपिंग मास्टर इन सस्टेनिंग विद इन वन ईयर, मतलब जिस दिन हुआ उस दिन से एक साल तक अगर नहीं होता है तो क्या करेगा शिपिंग मास्टर? शिपिंग मास्टर विल सेल, सोल्ड विल सेल द प्रॉपर्टी, ही विल सेल हिज प्रॉपर्टी, और वो ऐसे नहीं कि मतलब कितने में भी ले जाओ, ही शुड रिकवर द अमाउंट ऑलमोस्ट जितना उसका है उसको उसको द शिपिंग मास्टर हैज टू रिकवर दैट मच ऑफ द अमाउंट, प्रोसीडर ऑफ द सेल विच हैव बीन सो पेड एंड क्लेम इज मेड देयर ऑन। तो सबसे पहले अगर डिसीज सी फेयर हुआ तो शिपिंग मास्टर के केस में, इसमें अगर नो क्लेम्स वाले में आता है कि मतलब किसी ने क्लेम ही नहीं किया एक साल तक, तो वो सेल कर देगा और एक चेक ले करके रख लेगा जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहेगा, तो उसको लेके रख लेगा। और उसके बाद अगर वो चेक का भी क्लेम फर्दर सिक्स ईयर तक, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द एक्सपीरेशन ऑफ द सिक्स ईयर्स, छः साल तक नहीं आता है, विच इज़ बीन गिवन यहाँ पे, ये वन लिखा हुआ प्रोवाइडेड में यहाँ पे, तो अगर वो एक साल के अंदर तो अपना कि सेल कर दिया और वो अपने पास चेक आ गया जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा हुआ है, और विद इन सिक्स ईयर्स उस पैसे को भी कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता है कि हमें नहीं चाहिए या कोई आते ही नहीं है, तो वो जो पैसे हैं उसको शिपिंग मास्टर एज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरीके से यूज करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर इंडिया में भी कोई पर्सन डेड हो जाता है तो उसकी 7 ईयर्स तक डेड बॉडी को सर्च किया जाता है, और अगर 7 ईयर्स तक वो बंदा नहीं मिलता है तो उसके बाद उसे डिक्लेयर किया जाता है ही इज़ डेड, तो फॉर 7 ईयर्स। तो यहाँ पे भी 7 ईयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 6 ईयर्स प्लस 1 ईयर दैट वन, तो इस 7 ईयर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप हो जाता है। सो डिसीज सी फेयर का वंस अगेन कि एम एस एक्ट 1958 सेक्शन 152 to 160 विल डील विद दिस डिसीज सी फेयर, तो इसमें जो है दैट वन वॉज, तो देर इज नो नीड टू से अबाउट 160, वी हैव टू से ओनली दैट इन केस ऑफ सी फेयर इज डिसीज्ड, सो एज पर एम एस एक्ट 1958 सेक्शन 152 to 160 एंड द मास्टर विल इन्फॉर्म नेक्स्ट ऑफ द कैन एंड द शिपिंग मास्टर, देर आफ्टर ही विल मेक ऑफिशियल लॉग बुक एंट्री विच विल हैव द डिटेल्स ऑफ हिज मनी हिज बिलोंगिंग्स एंड हिज वेजेस एंड इट्स डिडक्शन, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया देन इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस द wages, money and the crew effects will be given to the Indian consulate officer. He will provide us a receipt which will be provided to the shipping master when the vessel will arrive in India within 48 hours. And if in India, then the section 158 will apply for the property of the seaman dying in India. Bas itna hi bolna. 160 was for more knowledge ki kya hota hai asal mein. Then now we have 176-177 for inspections. Yeah, 176 inspection by the shipping master etc. of the provisions, water, weight and measures of the accommodation. So ye pucha gaya hua hai. The shipping master surveyor, seafarers, welfare officer, port health officer or India. So ye wala ki kaun kaun kar sakta hai. So isme A likha hua hai. In the case of any ship upon which the seamen have been shipped and that port may or any time, to ye this is all in the case of the Indian ship may at the time, and the master or the three or the more of the crew so requested shall enter on board with provision, weight, accommodation of the seafarers. Ye check karenge, matlab who can check, to who can check mein shipping master, surveyor, seamen's welfare officer, port health officer, Indian consulate officer or any other officers at any port duly authorized in the behalf of the central government, they all can inspect. उसके बाद क्या है हमारा 177 आता है, 177 में क्या आया, 177 inspection by the master of the provision, water and accommodation at sea. तो master को करना चाहिए, तो वो क्या, at least once every 10 day, ये है simple.
कि 10 दिन में एज पर एमएस एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 190, प्रोविजन एज टू डिसिप्लिन. तो ये वाला थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स हैं विच वी हैव टू सी फर्स्टली एंड देन वी विल गो फर्दर. इसमें क्या है, मिसकंडक्ट है. दिस इज मिसकंडक्ट. वी हैव टू, कि 190 क्या है, मिसकंडक्ट. 191 क्या है, डिजर्शन. एंड 194 इज ऑफेंस. तो ये तीनों में डिफरेंस रखना है हमेशा. ऑफेंस क्या है, डिजर्शन क्या है और मिसकंडक्ट क्या है. तो मिसकंडक्ट क्या होता है, उसमें उसमें वी हैव टू रिमेंबर ओनली टू थिंग्स. कि यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि नो मास्टर सीमेन अप्रेंटिस बिलोंगिंग टू एन इंडियन शिप वेर एवर इट मे बी और एनी अदर शिप्स वाइल इन इंडिया शैल नोइंगली. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें क्या नहीं करना है, शैल नोइंगली डू एनी थिंग. मतलब हमें ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि इमीडिएट लॉस ऑफ द शिप हो जाए या सीरियस डैमेज हो जाए शिप का या किसी की लाइफ इंडेंजर्ड हो जाए या कोई इंजर हो जाए पर्सन जो कि ऑन बोर्ड काम कर रहा है. तो ये हमें नहीं करना है. फिर हमें रिफ्यूज़ भी नहीं करना है कोई भी ऐसा काम जो कि लॉफुल एक्ट है जिससे हम शिप को बचा सकते हैं फ्रॉम लॉस, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और सीरियस डैमेज, और प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी बंदे को फ्रॉम एंडेंजरिंग हिज लाइफ, डेंजरिंग हिज लाइफ और इंजरी. तो दीज आर सेम लाइन्स एंड सेम वर्ड्स आर देयर. सब कुछ सेम है. इसमें क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना है, डू एनी थिंग ये वर्ड याद करना है. और यहाँ पे रिफ्यूज टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर प्रिजर्विंग लॉस ऑफ इमिडिएट लॉस ऑफ शिप. इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते मतलब यू कैन हैव इट इन योर ओन वर्ड्स. कि मिसकंडक्ट का क्या है कि नो, ये वाला ये थोड़ा सा रट लिया कि नो मास्टर सीमेन अप्रेंटिस एंड देयर आफ्टर डू एनी थिंग टेंडिंग टू द इमीडिएट लॉस ऑफ शिप और सीरियस डैमेज ऑन बोर्ड द शिप और इंगेज द लाइफ ऑफ अ सी फेयरर इन डेंजर और कॉज एनी इंजरी टू द सी फेयर हु आर वर्किंग ऑन बोर्ड द शिप एंड वी शैल नॉट. एंड मिसकंडक्ट में क्या कि इफ रिफ्यूजल टू डू एनी लॉफुल एक्ट विच मे लीड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द इमिडिएट लॉस ऑफ शिप फ्रॉम द सीरियस डैमेजेस और प्रिजर्व एनी पर्सन लाइफ और कैन प्रिजर्व एनी इंजरी ऑफ द पर्सन हु आर वर्किंग ऑन बोर्ड. बस इस तरीके से अपने लैंग्वेज में भी वी कैन कंस्ट्रक्ट इट. ओके नाउ डिजर्शन. तो डिजर्शन में तो कि ही हैज लेफ्ट द शिप विदाउट इन्फॉर्मिंग. तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए. एंड शैल नेगलेक्ट और रिफ्यूज एब्सेंट विदाउट लीव एट एनी टाइम विद इन 24 आवर्स ऑफ द शिप सेलिंग फ्रॉम इधर पोर्ट कमेंस और ड्यूरिंग द प्रोग्रेस बी एब्सेंट रहता फॉर द पर्पज ऑफ द सब सेक्शन प्रोविजन ऑफ दिस. मतलब ही शुड नॉट डू इट, ये सब लिखा हुआ है. और विद इन विदाउट लीव 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स तक हमें गायब नहीं रहना है विदाउट लीव. तो अगर विदाउट लीव गायब हो तो इसका मतलब डिजर्शन हो जाएगा. तो दिस इज. और 192 कहता है कि पावर टू सस्पेंड द डिजर्ट, जो डिजर्टेड सीमैन है उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब CDC जो है वो सस्पेंड कर सकता है कौन, डायरेक्टर जनरल. तो ये लिखा हुआ है. देन इसमें लिखा है कन्वेंस ऑफ द डिजर्टेड और द इम्प्रिजेंट सीमैन ऑन बोर्ड. तो इन द सीमैन अप्रेंटिस डिजर्ट हिज शिप एब्सेंट विदाउट लीव विदाउट सफिशियंट मास्टर. तो मतलब दे द मास्टर द ओनर और द एजेंट एजेंट और द ओनर ऑफ द शिप विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट द सीमैन और अप्रेंटिस अंडर दिस एक्ट कन्वे हिम ऑन बोर्ड हिज शिप एंड मे फॉर द पर्पज कॉज टू बी यूज फोर्स एज मे बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस. तो इट इज ऑल जो कि डिजर्शन या इम्प्रिजनर के केसेस में हो सकता है. दिस इज ऑल रिटन. बट 193 इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है 194. तो उसमें डिजर्शन में कोई पूछता है तो 192 सॉरी 191 और 192 और 193 डिजर्शन में आ जाता है, मिसकंडक्ट में 190 आ जाता है और ऑफेंस में 194. तो जनरली दे जनरली कम फॉर द ऑफेंसेस. तो ऑफेंसेस क्या, व्हाट आर ऑफेंसेस. तो ऑफेंसेस में है
a seaman lawfully engaged or the apprentice shall guilt of an offence against the discipline if he commits any of the following act. तो offence की definition क्या है? तो ये है offence की definition, ये रही. वहाँ पे misconduct की definition दी हुई है, यहाँ पे 190 में misconduct की definition दी हुई है. What is misconduct? यहाँ पे desertion बताया हुआ है कि क्या है, और यहाँ पे बताया कि offence क्या है. तो offence क्या है? If he quits the ship without leave after her arrival in the port of delivery and the ship placed to insecure, तो ये वाला फिर ये मतलब ये points we have to रट्टा फाव कि थोड़ा सा इसको अपने words में ले करके we have to construct it our own words. जैसे ये A point है, तो if he quits the ship without leave, so this is also a offence. Guilty of willfully disobedience of lawful, तो ये disobedience of any lawful command. फिर willfully disobey the command or continue willfully neglect of the duty, तो duty को भी neglect नहीं करना है, किसी के commands को भी, जो senior officers है या master हैं तो उसके कमांड्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, बट लॉफुल कमांड नॉट अनलॉफुल कमांड्स. देन देन डी इज कम्स फॉर द असल्ट द मास्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफिसर ऑफ और अ सी फेरर और एन अप्रेंटिस बिलोंगिंग टू द शिप. मतलब मास्टर को भी नहीं करना, ऑफिसर को भी नहीं, किसी सी फेरर को भी नहीं करना. फिर ई इज He combines with any other crew for the disobeying lawful command. तो ये भी नहीं करना है. और he willfully damages the ship or commit crimes, misappropriate breach of trust in respect of or willfully damages of her store or cargo. तो इसमें misconduct हो गया हमारा, फिर हमारा डिजर्शन हो गया, फिर हमारे पास ये ऑफेंस का आया. तो ऑफेंस में क्या है कि नंबर वन, ही शुड नॉट लीव द शिप विदाउट परमिशन या विदाउट लीव, ही शुड नॉट लीव द शिप. देन डिसोबीडियंस ऑफ द लॉफुल कमांड, देन विलफुली डिसोबीडियंस और विलफुली नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटी, ये नहीं करना है. Then assault the master or any other crew and officers on board. फिर combines with any other officer in the disobedience. तो इसमें disobedience में मैंने क्या किया होता, I have just make, सबसे पहले तो ये बोला कि he should not leave the ship without informing. Then he should not willfully disobey दे लॉफुल कमांड. मैं ये पूरा नहीं बोल गया, बस डिसोबे बोल देता था कि ही शुड नॉट डिसोबे द लॉफुल कमांड और डिसोबे द ड्यूटीज. यहाँ पे तो यहाँ पे मैं डिसोबे को तीन टर्म्स में कर लिया था कि डिसोबे यहाँ पे लॉफुल कमांड भी हो गया और लॉफुल कमांड हो गया, फिर अपना लॉफुल ड्यूटी हो गई हमारी, और साथ साथ में ही कंबाइंस विद द क्रू टू डू एनीथिंग. फिर उसमें उसके बाद डैमेज नहीं करना है मुझे और किसी को मारना नहीं है. तो सबसे पहले तो मेरे को किस छोड़ के नहीं जाना शिप, फिर मुझे सबका कहना मानना है, आई शुड नॉट डिसोबे एनीबडी. फिर उसके बाद मुझे शिप पे कोई भी शिप की प्रॉपर्टी नहीं तोड़नी या शिप पे कुछ नहीं करना, और फिर किसी और को नहीं मारना. तो दिस वाज द सीक्वेंस आई वाज मेकिंग एंड फॉर द रट्टाफिकेशन, कि सबसे पहले तो बता दिया भागना नहीं है छोड़ के शिप को, फिर किसी को डिसोबे नहीं करना है, फिर उसके बाद किसी को अपनी शिप को शिप या प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना है और किसी को मारना नहीं है. तो यू कैन जस्ट मिंगल अप ये फोर पॉइंट्स को, ये सिक्स पॉइंट्स को हम फोर में कन्वर्ट करके फिर वी कैन स्पीक सिक्स पॉइंट्स इजीली. फिर स्मगलिंग ऑफ द गुड्स, ये भी है. फिर इन केस ऑफ ऑफेंस अगर कर दिया तो क्या, तो ये है 196.
सेक्शन 196 एंट्री ऑफ द ऑफेंस इन द ऑफिशियल लॉग बुक. तो इसमें क्या होगा, इफ़ एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, या ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट का मतलब ये है कि डेफिनेशन जो दी हुई है तो क्या है, एन एंट्री ऑफ द ऑफेंस शैल बी मेड इन ऑफिशियल लॉग बुक. तो ये ऑफिशियल लॉग बुक में एंट्री हो गई, साइन बाई मास्टर नेट एंड वन क्रू, तो ये लिखा हुआ है. एंड द ऑफेंडर इफ स्टिल इन द शिप, इफ ही स्टिल ऑन द शिप, शैल बिफोर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अराइवल ऑफ द शिप एट एनी पोर्ट. तो ये वाला केस, द ऑफिशियल लॉग बुक में मास्टर मेट और क्रू साइन करेगा, ये तीन का होगा. अगर ऑफेंडर है तो करेगा. और उसके बाद क्या, स्टेटमेंट ऑफ द कॉपी ऑफ द एंट्री शैल बी फर्निश्ड. तो ये है, द एंट्री ऑफ द कॉपी शैल बी फर्निश्ड एंड एंट्री शैल हैव बीन रेड ओवर एंड द रिप्लाई. तो ये वाला सेक्शन, पहले तो ये हो गया कि ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट. तो इसमें 196 में सबसे पहले क्या गया, ऑफिशियल लॉग बुक एंट्री कर देंगे, मास्टर मेट और क्रू साइन कर देगा. अगर ऑफेंडर है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और वो भी इतना नेसेसिटी नहीं है कि वो करे. बट उसके सामने क्या करेंगे, उसके सामने पढ़ेंगे. अगर वो मतलब इफ ही इज रिफ्यूजिंग ऑल्सो दैट ऑल्सो वी कैन राइट इट कि ही इज रिफ्यूजिंग टू साइन. फिर क्या, स्टेटमेंट ऑफ द कॉपी जो है दैट विल बी फर्निश टू हिम, ठीक है, एंड रेड लाउडली. और उसके बाद जो रिप्लाई है वो भी लिख देंगे हम. ऑफिशियल लॉग बुक में मास्टर मेट और क्रू ने साइन कर दिया, ऑफेंडर अगर शिप पे है तो कर देगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है. और उसकी जो उसके सामने लाउडली पढ़ेंगे हम जो कि ऑडिबल हो. उसके बाद जो रिप्लाई है वो भी हम लिख देंगे, और उसके बाद एक कॉपी उसे दे देंगे. तो दिस इज़ हाउ विल बी मेड. और उसके बाद इन एनी सब्सिक्वेंशियल लीगल प्रोसीडिंग्स एंट्रीज बाई द सेक्शन रिक्वायर शैल इफ एप्लीकेबल बी प्रोसीड टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट सच प्रोडक्शन इन द कोर्ट और केस मे बी रिफ्यूज टू रिसीव. तो दिस इज ऑल वी हैव टू डू. इसमें कि कोर्ट में ऑफेंसेज एंड ऑल दिस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना बोलना है हमें. और उसके बाद एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसे. इन एनी सब्सिक्वेंशियल लीगल प्रोसीडिंग्स द एंट्रीज बाई दिस सेक्शन शैल If practicable भी प्रोड्यूस provided default. हाँ, मतलब कि अगर कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई इस केस में तो हम लोगों को ऑफिशियल लॉग बुक में जो एंट्रीज की हुई हैं वो हमें प्रोवाइड करना है कोर्ट में, बस यही लिखा हुआ है. अच्छा, हमने वहाँ पे डिजर्शन पढ़ा हुआ था 191 में, ये 191 डिजर्शन एंड द एब्सेंस विदाउट लीव. फिर 193 में कन्वेंस ऑफ द डिजर्शन और इम्प्रिजनमेंट. अब इसमें आगे एक और चीज़ आया हुआ है, रिपोर्ट ऑफ डिजर्शन. अगर कोई भाग गया तो हमें किसे करना है रिपोर्ट ऑफ डिजर्शन. तो ये डिजर्शन जो है ना, अब मिस देखो ऑफेंस जो था दैट कम्स फ्रॉम 194, 195, 196 अपने पास आ गया. उसमें 195 जो है स्मगलिंग का है, तो जनरली इट इज कमिंग 194 एंड 196 अभी तक का. तो 194, 196 जो है ऑफेंस. अब डिजर्शन में क्या क्या आ गया, डिजर्शन में 191 आया, 192 आया, 193 आया. उसके बाद अपने पास 197 की रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्ट ऑफ द डिजर्शन एंड एब्सेंट विदाउट लीव. तो व्हेन एवर एनी सी फेयरर engaged outside the India or in India ship desert करता है तो the master shall within 48 hours तक wait किया जाएगा कि वो आ जाए. अगर वो नहीं आता है तो report the same to the shipping master को हम बता देंगे. finish, हमने shipping master को बता दिया. उसके बाद entry and certificate of the deserted on board, जिस बंदे ने desert किया उसके साथ क्या करेंगे. offender के साथ तो हमने कर दिया कि offender ने जो भी किया, offense का जो हमें definition मिल गया वो कर लिया. उसके बाद entries हमने कर ली, उसका फिनिश अप कर दिया, सब कुछ एंट्रीज कर दिया. और अगर कोर्ट में कुछ केस हुआ तो हम बता देंगे. अब डिजर्ट किया तो उसके केस में क्या करेंगे, वो 191 में लिखा था डेफिनेशन, फिर 193 में लिखा हुआ था, फिर 198 में क्या लिखा था
एंट्री एंड द सर्टिफिकेट में कह रहा था इन एवरी केस ऑफ डिजर्शन फ्रॉम द शिप सच शिप इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया द मास्टर्स विल प्रोड्यूस द एंट्री ऑफ द डिजर्शन ऑफ द लोग द इंडियन काउंसिल. अगर वो बाहर होता है तो मास्टर शुड प्रोवाइड टू द इंडियन काउंसुलेट ऑफिसर. ये हो गया. उसके बाद है कि द मास्टर शुड फोर्थविथ ट्रांसमिट सच कॉपी टू द शिपिंग मास्टर. तो मास्टर ने किसको दे दिया? शिपिंग मास्टर को भी दे दिया. एट द पोर्ट एट विच द सीफेयर ऑफ द अप्रेंटिस हैज वाज शिप्ड. अगर बाहर है तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को दे दिया. ट्रांसमिट इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर से और उसका सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी एक ले ली. तो इसमें यही था कि एंट्रीज एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द डिजर्शन डिसीज्ड नॉट डिजर्टेड सी फेयरर. तो डिजर्टेड सी फेयरर में क्या करना है? अगर इंडिया से आउटसाइड है तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को बता दिया, एक कॉपी ले ली, सर्टिफाइड कॉपी ले ली, उसको हमने शिपिंग मास्टर को दे दिया. उसके सच कॉपी इफ परपोर्टिंग टू बी सो मेड सर्टिफाइड एज फोर्सेड शैल बी एनी लीगल प्रोसीडिंग सच डिसर्शन मे बी एडमिसिबल इन द एविडेंस. मतलब कि वो एविडेंस के रूप की तरह भी किसी भी कोर्ट में यूज की जा सकती है. ओके सो तो इसमें जो है इन केस ऑफ मिसकंडक्ट 190, इन केस ऑफ डिजर्शन तो 191, 192, 193, उसके बाद 197, 198, 197, 198, तो ये एंट्री है. 198 इज एंट्री इन द ऑफिशियल लॉग बुक. ये इंपॉर्टेंट है. 198 बस ये है. इसके बाद अपने पास आता है 193, 193 नहीं, दिस इज 194, 194 ऑफेंस, फिर 196 इसकी एंट्री इन द ऑफिशियल लॉग बुक. दैट्स इट. ओके टिल हियर इज ओके. नाउ 202, सेक्शन 202, इसको मैंने कैसे याद किया था कि थप्पड़ मारोगे तो 202 रुपये देना पड़ेगा. तो 202 रुपये पेमेंट ऑफ द फाइन इम्पोज्ड अंडर द एग्रीमेंट और टू द शिपिंग मास्टर. तो इसमें बस यही कहा गया है कि एवरी फाइन इम्पोज टू द सी फेयरर फॉर एनी एक्ट टू द मिसकंडक्ट. तो यहाँ वर्ड जो है ये मिसकंडक्ट यूज हुआ है. तो द मिसकंडक्ट विल गो टू द मिसकंडक्ट वाले में जो कि 190 है. दैट इज 190 जस्ट टू शो. ये रहा 190, 190 के केस में मतलब ये सब कर दिया तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा भाई. तो फाइन कैसे लगेगा 202 में बताया. तो ये जो वर्ड्स हैं दैट्स व्हाई आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट वर्ड कि मिसकंडक्ट है जैसे. तो उसमें क्या है कि अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हारे वेजेस में से द मास्टर और द ओनर शैल डिडक्ट. तो तुम्हारे वेजेस में से निकाल के शिपिंग मास्टर को दे देंगे अगर इंडिया में हो तो. अगर इंडिया आउटसाइड इंडिया हो तो इंडियन काउंसुलेट ऑफिसर उस टाइम पे एक्शन में आ जाएंगे. ये रहा सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियन काउंसुलेट ऑफिसर. फिर उसके बाद ये लिखा है एंट्री ऑफ सच डिडक्शन शैल बी मेड इन द ऑफिशियल लॉग बुक. तो अगर इन इंडिया किया हुआ है तो डिडक्ट कर दिया और मास्टर ओनर ने और उसके बाद दे दिया शिपिंग मास्टर को. डिडक्ट कर लिया और दे दिया शिपिंग मास्टर को आउटसाइड इंडिया. इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को दिया और ऑफिशियल लॉग बुक एंट्री भी कर दी एंड साइन बाय सच ऑफिसर एंड ऑन द रिटर्न ऑफ द शिप टू द इंडिया द मास्टर द ओनर शैल पे टू द शिपिंग मास्टर. तो वही है कि जिस साइन बाय सच ऑफिसर ऑन रिटर्न मतलब कोई ऑफिसर जो भी है उन्होंने साइन कर दिया
आउटसाइड इंडिया इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर को दे दिया, ऑफिशियल लॉग बुक में एंट्री कर दिया और बाद में हमने शिपिंग मास्टर को दे दिया। दैट्स इट। सो इसमें ये लिखा है ना, एक्ट ऑफ द मिसकंडक्ट फॉर विच एनी सच फाइंस कैन बी इन्फ्लिक्टेड एंड द पेड शैल बी अदरवाइज पनिश्ड। ये सब लिखा है, दिस इज नॉट सो मच मैटरिंग। फिर 204 ये सब भी उतना नहीं है, ये भी उतना नहीं है। 208, 209 ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला डिजर्शन फ्रॉम अ फॉरेन शिप। तो फॉरेन शिप वाले केसेस में क्या होगा कि कोई फॉरेन का बंदा है जिसने डिजर्ट कर दिया शिप, तो व्हेन इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ड्यू टू द फैसिलिटीज और विच बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कंट्री आउटसाइड द इंडिया फॉर रिकवरिंग एंड द अप्रिहेंडिंग सीमैन हु डिजर्टेड फ्रॉम द इंडियन शिप इन द कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी notify in the official gazette stating that such facility or will be given, declare that this section shall apply to the seamen belonging to such ship subjected to such limitations or concern. Okay, तो इसमें क्या है, ये section 2 की मतलब section 1 में तो कि मतलब किसी ने desert कर दिया, और ये वाला थोड़ा सा पढ़ के it is not much, कुछ ज़्यादा important नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज टू द सीमेंस बिलोंगिंग टू द शिप्स ऑफ एनी कंट्री एंड द सीमेंस डिजर्ट फ्रॉम एनी सच शिप, ये वाला कि फॉरेन का है तब क्या करेंगे, व्हेन विद इन इंडिया तो कोर्ट दैट वुड हैड हेल्ड हैड कॉग्निजेंस। इसमें जो वर्ड्स हैं वो हैं कि कोर्ट दैट वुड हैव कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर इफ द सीमेन और द apprentice had deserted from an Indian ship shall on the application of a consulate officer of that country aid to the apprehension and the desert and for that purpose may or inform given on the oath issue on the तो इसमें कुछ और नहीं, इसमें बस यही है कि अगर किसी सीफेरर ने किया है तो अगर उसकी कंट्री का जो काउंसलेट ऑफिसर है वो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और भी हो, कोई और भी कंट्री हो, काउंसलेट ऑफिसर जो है ही इज शोइंग एन एप्रीहेंशन ऑफ द डिजर्शन एंड फॉर दैट पर्पस ऑन द इंफॉर्मेशन गिविंग ऑन द ओथ, किसी एक ओथ पे एंड इशूइंग अ वारंट फॉर द एप्रीहेंशन, या प्रूफ दे रहा है कि वो हाँ भाई गायब हो गया है, मेरे ही शिप पर था वो, तो शैल बी डिलीवर टू द मास्टर मेट ऑफ हिज शिप और टू द ओनर ऑफ द शिप और द एजेंट, तो इनको दे देंगे। बस यही लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है स्पेशल इसमें कि तो अगर किसी भी सी फेरर ने व्हेन विद इन द इंडिया एनी कोर्ट वुड हैव रिकॉग्निजेंस ऑफ द मैटर इफ द सीमैन और द अप्रेंटिस हैव डिजर्टेड फ्रॉम एन Indian ship shall on the application of the consulate officer of that country. So, aid in apprehension. एक second. When it appeared to the central government that due to the facilities which will be given by the central government of any country outside the India. For the recovering any apprehended seaman who desert from the Indian ship in that country, the central government may by the notification stating the first rate declaration shall have a seaman belonging to the ships of such country apply to the seaman belonging to the ship of such country subjected to such limitations conditions as may be specified in the notification. Achha. कि किसी फॉरेन शिप से मैं भाग गया, जैसे कि मैं पनामा में या कहीं करता हूँ, तो देन दिस कैन हैपन कि कॉन्सुलेट ऑफिसर जो है वो एक ओथ दे देगा और अप्रिहेंशन दे देगा टू द दैट कंट्री, टू दैट कंट्री जहाँ पे हुआ है, और उसके बाद
वहां से उसे उठा करके उसकी कंट्री में डाल दिया जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वी कैन रीड इजिली कि व्हेन विद इन द इंडिया वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज टू द सीमेन बिलोंगिंग टू द शिप्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का हो, एंड द सीमेन डिजर्ट फ्रॉम एनी सच शिप, कि इट इज इंडियन सी फेयर हु इज वर्किंग ऑन अदर फ्लैग एंड ही हैज डिजर्टेड, ये वाला केस है। व्हेन विद इन इंडिया, अगर इंडिया में है तो कोर्ट जिसको पता है ऑफ द मैटर कि भैया उस शिप से वो इंडिया में ही भाग के आ गया, तो अप्रेंटिस शैल डिजर्ट फ्रॉम एन इंडियन शिप शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सुलेट ऑफिसर ऑफ उस कंट्री ने जो बता दिया कि भाई वो तो हमारी शिप को डिजर्ट करके चला गया, ये है, तो अगर अप्रिहेंशन शो किया तो दोबारा ओनर को और एजेंट को दे देंगे। मतलब दीज थिंग्स, तो इसको जस्ट टू रीड इट वंस डिजर्शन वाले को इट विल बी मोर क्लियर। बट इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर उसने डिजर्ट किया हुआ है तो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर अगर अप्रिहेंशन शो कर रहा है तो दे विल रिटर्न बैक टू द ओनर एंड द जो भी एजेंट है उसको दे देंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 212 आ जाता है, तो 212 और ये वाला मैं नेक्स्ट अप में करता हूँ।